हेलो एवरीवन, तन्वी हियर। स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास 12th का लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशंस। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो बात कर रहे हैं मैक्सिमम हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है कि उसमें कितने कंपोनेंट्स हैं? उसमें है दो कंपोनेंट्स। ओके, दो कंपोनेंट्स जो हैं, एक उसमें कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, और दूसरा उसमें मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो उसमें लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा हम उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जो मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा हम उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, अब सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है सॉल्वेंट में, हम उसके हिसाब से उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, जैसे 5 ग्राम, मैंने लास्ट टाइम भी बात बताई थी, अगर मैं 5 ग्राम NaCl को 100 ग्राम पानी में ले लूं, या फिर मैं 50 ग्राम NaCl को 100 ग्राम वाटर में अगर मैं ले लूं, तो आपके पास क्या होगा? आपके पास जो कंसंट्रेशन होगी, 5 ग्राम वाटर इन 100 ग्राम अलग होगा सॉल्यूशन, और 50 ग्राम वाटर इन 100 ग्राम वाटर, 50 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम वाटर अलग सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि हम यहाँ पे शॉर्टकट में सॉल्वेंट और सॉल्यूट को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ डिनोमिनेशन यूज करते हैं। जैसे अगर मुझे कभी भी सॉल्वेंट लिखना हो तो हम प्रेफर करते हैं उसको ए से लिखना। ठीक है, अगर हमें सॉल्यूट लिखना हो तो हम उसको लिखते हैं बी से। राइट, अच्छा जी, अगर हमें कहीं पे किसी का मास लिखना हो, कोई भी मास, मास या वेट कोई भी, तो हम उसको लिखते हैं डब्ल्यू से। और अगर हमें किसी का मोलर मास लिखना हो या फिर किसी का मॉलिक्यूलर मास लिखना हो, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो हम उसको कैसे लिखते हैं? हम उसको लिखते हैं कैपिटल एम से। ओके, हमें अगर किसी के नंबर ऑफ मोल्स लिखने हो तो हम उसको लिखते हैं एन से, एन स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। और ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है आपके पास मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। राइट, मतलब डब्ल्यू की कोई भी मास अपॉन उसका मोलर मास। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। और एक एक्सप्रेशन और बताया था कि डेंसिटी किसके बराबर होती है? डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम का। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप इसको अपनी नोटबुक पे उतार लेंगे ताकि आपको क्या पता चल जाए कि हम लोग कौन कौन सी डिनोमिनेशंस किसके लिए यूज कर रहे हैं। ओके, अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 3 जो है डेफिनेशंस पढ़ी थी। ठीक है, तो एक बार उनको रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या? हमने पढ़ा था मास परसेंटेज के बारे में। ओके, तो मास परसेंटेज किसी का कैसे लिखते हैं? अगर मुझे मास परसेंटेज किसका लिखना है, मास परसेंटेज ऑफ ए का लिखना है। ठीक है, मान लो कि मेरे पास सॉल्यूशन में 2 चीजें हैं, एक डब्ल्यू ए है और एक डब्ल्यू बी है। ठीक है, तो मास परसेंट अगर मुझे ए का लिखना है तो क्या करेंगे, उसका मास ले लेंगे, ए का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास मतलब जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के बना हुआ, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करें तो एक का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास मिलके बनाता है मास फ्रैक्शन। ठीक है, लेकिन अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बनाता है मास परसेंटेज। बी के केस में भी हम लोग सेम चीज करेंगे, अगर मुझे बी का निकालना है मास परसेंट तो क्या करेंगे, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, मतलब टोटल इंटू 100। ये अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था और इसके बेसिस पे हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। ओके, दूसरा हमने पढ़ा था वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज में भी सब कुछ सेम था, अगर मुझे वॉल्यूम परसेंट ए का लिखना है तो वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100, अगर मुझे बी का लिखना है तो वॉल्यूम ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100, ये हमने पढ़ा था। ओके, एक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी जो हमने पढ़ी थी और एक दो न्यूमेरिकल भी उसके बेसिस पे सॉल्व किया था, वो हमने पढ़ा था मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी को किसके साथ डिनोट करते हैं, कैपिटल एम के साथ। और मोलैरिटी किसके बराबर होती थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, इन लीटर। ओके, मैंने अभी बताया नंबर ऑफ मोल्स को एन के साथ लिखेंगे, और अगर सॉल्यूट है सॉल्वेंट को ए से, सॉल्यूट को बी से, तो इसके साथ लिखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब आपको क्या करना है, आपके पास हम लोग ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन ये करते हैं, हमें पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो किसके बराबर होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर होता है आपके पास डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, है ना, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। पहले तो आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, क्या होती है डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर लीटर यूनिट यूज किया है तो वॉल्यूम का यूनिट है वो। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, हम लोग डब्ल्यू बी अपॉन एम बी पुट कर सकते हैं इंटू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम को मैं मिली लीटर में ले लू तो हम लोग इसको 1000 से डिवाइड करते थे, ये एक्सप्रेशन था। ठीक है,
अब देखिए यहां से हम लोग कुछ चीज निकालने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, हमारे पास एक टाइप के न्यूमेरिकल हमने सिंपल इस फॉर्मूला को यूज करके हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, आज हमारे इसके एक टाइप के न्यूमेरिकल पेंडिंग है वो हम आज कर लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूँ, मोलैरिटी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट है ना, और क्या आएगा आपके पास, डिवाइड किससे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इन किसमें, इन लीटर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, अगर मैं लेती हूँ 5 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम वॉटर, ठीक है, और दूसरा लेती हूँ 5 ग्राम NaCl इन कितने, इन 50 ग्राम वॉटर। अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास देखिए 5 ग्राम NaCl, 5 ग्राम NaCl का मतलब है सल्यूट है, क्योंकि सल्यूट और सॉल्वेंट में से जिसकी ज्यादा क्वांटिटी है वो क्या होता है, वो होता है सॉल्वेंट, और जिसकी कम क्वांटिटी है वो क्या होता है, वो होता है सल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे 5 ग्राम NaCl 5 ग्राम NaCl सेम है। ठीक है, अब हमारे पास अगर सल्यूट सेम है, कैसे निकलता है, सल्यूट किसके बराबर होता है, एंड नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर मास सेम है, मतलब 5 ग्राम ले हुआ, तो मोलर मास भी सेम है इसका, इसका होता है 58.5 है ना। अगर आप NaCl का मास देखो तो 23 + 35.5, अगर आप ऐड करो 0.5 5 4 3 8 और 3 और 2 5, तो 58.5, ये तो सेम रहेगा, मतलब नंबर ऑफ मोल सेम रहेंगे। तो अगर हम कोई सोल्यूशन लेते हैं जिसमें हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, अगर उसमें सेम क्वांटिटी ऑफ सल्यूट प्रेजेंट है और डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो हम लोग उसमें एक इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, किस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, देखिए आपके पास नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वी, ये सेम है, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास सेम आएंगे जब क्वांटिटी सेम होगी। तो फॉर इनिशियल कंडीशन हम लोग M1V1 लिखते हैं, और फॉर आपके पास दूसरी कंडीशन के लिए हम लोग ये लिखेंगे। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, यहां से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं M1V1 = N, और यहां से आप इसको लिख सकते हैं M2V2 = N। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो हम लोग M1V1 को इक्वेट कर सकते हैं M2V2 के साथ, और ये मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि बड़ी बार हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम सॉल्वेंट को डाइल्यूट करते हैं, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, और डाइल्यूट करके आप लोग ये चीज बनाते हो। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं और एक दो मैं आपको देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमें क्या करना है। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन है, अ बॉटल कंटेन्स, कि एक बॉटल में क्या पड़ा हुआ है, 500 मिलीलीटर ऑफ 2.4 मोलर, कैपिटल एम लिखा है, दैट मींस मोलर। ठीक है, 2.4 मोलर क्या, HCl सॉल्यूशन। ठीक है, HCl सॉल्यूशन उसमें पड़ा हुआ है। ठीक है, हाउ मच वॉटर ठीक है शुड बी एडेड, उसमें हम कितना वॉटर एड करें, ठीक है, टू डाइल्यूट इट टू कितने में डाइल्यूट करने के लिए, 1.6 मोलर सॉल्यूशन। ओके, तो देखिए आपको सबसे पहले ना तीन चीजें हमेशा गिवन रहेंगी। ठीक है, इनिशियल कंडीशन में हियर मोलैरिटी कितनी है, पहले वाली एक बॉटल में 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन पड़ा है 2.4 मोलर, तो M1 कितना है, M1 है 2.4 मोलर। ओके, V1 कितना है, इनिशियल वॉल्यूम कितना है, 500 मिलीलीटर। ओके, वॉटर की क्वांटिटी निकालनी है, लेकिन पहले V2 निकालेंगे, उसके बाद तो M2 कितना दिया है, M2 दिया 1.6 मोलर, और V2 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए हमें पता है, सिंस हमें क्या पता है, M1V1 = किसके बराबर होता है, M2V2 के बराबर होता है। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज M1 क्या है, 2.4 मोलर इंटू मोलर कट जाएंगे दोनों साइड जब हम लिखेंगे, इंटू 500 मिलीलीटर है ना, तो ये किसके बराबर है, M2 क्या आएगा, M2 आएगा 1.6 मोलर इंटू V2, तो विच इम्प्लाइज आपके पास V2 किसके बराबर आएगा, यहां पे अगर मैं मोलर लिखूं, यहां पे अगर मैं मोलर लिखूं, ये कट जाएंगे, और इसके साथ मिलीलीटर यूनिट है, तो मिलीलीटर वॉल्यूम का यूनिट है। V2 किसके बराबर आएगा, 2.4 इंटू 500, ये अपने घर पे, अपॉन 1.6, राइट। तो देखिए ये पॉइंट कट जाएगा, यहां से ये पॉइंट कट जाएगा, ये 4 के टेबल में आता है, 4 4 16 4 6 24, और ये 2 के टेबल में आएगा, 2 2 4 और 2 3 6, और ये 250, तो V2 आपके पास कितना आया, 750 मिलीलीटर। ठीक है, लेकिन अभी ये आपके पास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, अभी आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी हमें करना क्या है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बॉटल है, उसमें क्या पड़ा है, 500 मिलीलीटर आपके पास इतना सोल्यूशन है, उसमें हम कितना पानी डालेंगे। ठीक है, मतलब एक सोल्यूशन है उसका 500 मिलीलीटर डाला हुआ है, और 2.4 मोलर उसमें HCl,
बोल रहा है उसको 1.8 कितना 6 मोलर में आपको चेंज कर रहा है, आप उसमें कितना वाटर डालोगे। हमने क्या निकाला, हमने इसका टोटल वॉल्यूम निकाला। अब टोटल वॉल्यूम जब निकला तो इनिशियल वॉल्यूम था ना कुछ, इनिशियल वॉल्यूम को हम उसमें से माइनस करेंगे और हमारे पास वाटर कितना ऐड करेंगे वो निकल जाएगा। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर या अमाउंट ऑफ वाटर एडेड कैसे निकलेगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड कैसे निकालेंगे, आपके पास आएगा V2 माइनस V1। V2 कितना है, V2 आपके पास है 750 मिलीलीटर माइनस 500 मिलीलीटर उसमें से निकाल देंगे और आपके पास क्या निकल जाएगा, आपके पास आ जाएगा 250 मिलीलीटर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, M1V1 इक्वल टू M2V2, जस्ट इक्वेशन आपको आनी चाहिए, जो आपको तीन वैल्यूज ये वो आपको आनी चाहिए और जो आपको निकालना है वो आपको आनी चाहिए। आप बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ जो आप निकालेंगे। ओके, तो आपके लिए क्वेश्चन क्या है, आपने कैलकुलेट करना है 250 मिलीलीटर ऑफ 1.5 मोलर, ठीक है, ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज डाइल्यूटेड, ठीक है, कैसे, बाय 5 लीटर ऑफ वाटर। ओके, कैलकुलेट करना है मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, कैलकुलेट करना है क्या, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, जो हमने सॉल्यूशन डाइल्यूट किया उसकी मोलैरिटी। ठीक है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि 250 मिलीलीटर ऑफ 1.5 मोलर एक्सप्रेस होगा, मतलब एक इनिशियल कंडीशन है जिसमें 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन दिया हुआ है और उसकी मोलैरिटी कितनी है 1.5 मोलर, उसको आप कितने में चेंज कर रहे हो, आप उसमें 5 लीटर पानी ऐड कर रहे हो प्लस 5 लीटर ऐड कर रहे हो, तो उसमें जो क्वांटिटी आएगी वो क्या आएगी, 5 लीटर और 250 मिलीलीटर। ठीक है, यहाँ पे 5 लीटर प्लस 250 मिलीलीटर ये इसमें क्वांटिटी आएगी और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या निकालनी है, जो सेकंड मोलैरिटी वो निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे, मैं आपको जस्ट क्वांटिटीज बताऊंगी, सॉल्व आप खुद करेंगे। M1 कितना है, M1 है 1.5 मोलर, है ना। अच्छा जी, V1 कितना है, 250 मिलीलीटर। ओके, M2 मुझे सॉल्व करनी है, सेकंड की मोलैरिटी निकालनी है। और V2 कितना है, V2 है 5 लीटर प्लस 250 मिलीलीटर, तो आप इसको मिलीलीटर में चेंज कर लीजिए, 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर, तो इधर आएगा 5000 मिलीलीटर प्लस 250 मिलीलीटर, तो आपके पास आ जाएगा 5250 मिलीलीटर। अब आप क्या करेंगे, आप M1V1 इक्वल टू M2V2 का यूज करेंगे। आपके पास M1 भी गिवन है, ठीक है, V1 भी गिवन है और V2 भी आ गया, और M2 आप बड़े आराम से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपको पता चल गए होंगे। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर 4 डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं मोलैलिटी की। ठीक है जी, मोलैलिटी क्या होती है, ये डेफिनेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, इसको लिखते हैं छोटे एम से, तो आपको याद रखना है अगर आपको मोलैरिटी दिया गया है तो आप उसको कैपिटल एम से लिखेंगे और अगर आपको मोलैलिटी दिया गया है आप उसको स्मॉल एम से लिखेंगे, राइट। तो देखिए मोलैलिटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज, इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, सोल्यूट डिजॉल्व किसमें, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब यहीं पे सबसे ज्यादा डिफरेंस है। हमने पिछली डेफिनेशन पढ़ी मोलैरिटी की, कैपिटल एम वाली, उसमें क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किसमें, वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉल्यूशन का किसमें, लीटर में। ठीक है, तो जब भी आप पेपर में ये करेंगे, हमारे पास हमेशा बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है कि करना क्या है, मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या फर्क है। मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो भी लीटर में, वॉल्यूम है और सॉल्यूशन का, यहां पे पर केजी, केजी यूनिट होता है मास है और सॉल्वेंट का, बस आपको इतना सा डिफरेंस है। तो इसका मतलब मोलैलिटी किसके बराबर होगी, मोलैलिटी होगी नंबर ऑफ क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मोल्स, ठीक है, डिसॉल्व किसमें, मास ऑफ किसका, सॉल्वेंट का, वो भी किसमें, इन या पर केजी। ओके, अब आपको पता है हमें क्या लिखना है, सिंस हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हम कैसे लिखते हैं, हमें पता होना चाहिए NB, है ना, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को लिखते हैं N से और अभी मैंने आपको बताया था सॉल्यूट को लिखते हैं B से। ये किसके बराबर होता है, ये होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, लेकिन मास किसका, मास भी सॉल्यूट का और मॉलिक्यूलर मास भी सॉल्यूट का। तो मास को मैंने बताया W से लिखते हैं और मॉलिक्यूलर मास को M से लिखते हैं, ठीक है। और मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, आपको पता है कि 1 kg किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम। अब आपको जब भी लैब में चीज दी रहती है, हमें बड़ी बार ग्राम में दी रहती है, केजी में नहीं दी रहती है, तो हमें उसको ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, तो किसके बराबर आएगा, आपके पास 1 ग्राम जो है वो किसके बराबर आएगा, यहाँ पे 1 लिखो तो 1/1000 kg, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा,
आपके पास जो मोलैरिटी है वो बन जाएगी नंबर ऑफ मोल्स मतलब एन बी अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास मतलब डब्ल्यू और सॉल्वेंट मतलब ए, है ना। सॉल्वेंट को ए से लिखते हैं और मास को डब्ल्यू से लिखते हैं। अगर मोलर मास होता तो मैं कैपिटल एम से लिखती, ये किसमें केजी, ठीक है। एक तो ये एक्सप्रेशन आएगा, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स को लिखते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और मास को अगर मैं किसमें लिखूं, अगर मैं ग्राम में लिखूं तो हम थाउजेंड से डिवाइड कर लेते हैं। ये एक्सप्रेशन आपको लर्न करना है, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी किसी की मोलैरिटी सॉल्व करनी है तो आप क्या करेंगे, मास लिखेंगे, मोलर मास, और मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, आप इतना सा याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके डेफिनेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले है यूनिट्स, राइट। तो यूनिट्स क्या है इसके, यूनिट्स है इसके मोल्स पर केजी, है ना। तो मोल पर केजी इसके यूनिट है, ओके। अच्छा एक चीज हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वो हमने उसमें भी पढ़ा था। तो टेम्परेचर का इधर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे मास इन्वॉल्व है ना, मास इज इन्वॉल्व। अगर मास इन्वॉल्व है तो मास का टेम्परेचर के ऊपर जो है कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब मोलैरिटी जो है उसको भी टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इट विल नॉट चेंज विद टेम्परेचर। और यही इसकी क्या है, यही इसकी एडवांटेज है, ठीक है, हमारे लिए यही फायदेमंद चीज है। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि अगर मुझे कहीं पे मोलैरिटी दी है और मोलैलिटी भी दी है, ठीक है, तो पेपर वाला पूछता है कि दोनों में से अगर कौन सी आपके लिए अच्छी है तो कौन सी अच्छी है, मोलैलिटी। वाय, यहाँ पे मास इन्वॉल्व होता है जो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करता। मोलैलिटी में क्या है, वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है जो टेम्परेचर के साथ चेंज करता है, इसीलिए हम प्रेफर करते हैं मोलैलिटी, ठीक है। तो मोलैलिटी और मोलैलिटी में मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि मोलैलिटी, एक हमने पढ़ी मोलैलिटी और एक हमने पढ़ी मोलैलिटी, राइट। मोलैरिटी को लिखते हैं कैपिटल एम, मोलैलिटी को लिखते हैं स्मॉल एम, ओके। ये किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ किसका, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन का, किसमें, लीटर में। ये किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और मास, ठीक है, किसका, सॉल्वेंट का, केजी में। बाकी आप ग्राम वगैरह में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। इधर क्या है, इसके ऊपर ये टेम्परेचर के साथ चेंज करती है और ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करती। यूनिट क्या आएंगे, मोल्स पर लीटर, और इसके क्या आएंगे, मोल्स पर केजी, ठीक है। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसके बाद आपको बताते हैं कि हमें क्या करना है, ओके। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ किसकी, सॉल्यूशन कंटेनिंग, क्या प्रेजेंट है जिसमें 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, ये उसमें प्रेजेंट है, किसमें, इन 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन विथ डेंसिटी इक्वल टू 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। देखिए हमें ये दिया हुआ क्वेश्चन, पहले सबसे पहले जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया रहेगा आपको क्या देखना है कि इसमें मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है या मोलैलिटी, ठीक है। हमें कैलकुलेट करनी है मोलैलिटी, इसका मतलब हमें दोनों मास चाहिए, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि सिंस मोलैलिटी वगैरह किसके बराबर होती है, हमें क्या क्या निकालना है। तो मोलैलिटी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में आएगा तो इनटू 1000, है ना। मास ऑफ सॉल्वेंट अगर मैं ग्राम में लिखूं तो ये आएगा, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स कैसे निकलते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास मुझे दिया है मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले लिखेंगे मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, कितना दिया आपको, तो मतलब ये क्या है, मास है डब्ल्यू बी, किसके बराबर दिया, 20.7 ग्राम, ओके। मोलर मास ऑफ किसका, ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, ओके। इसको सॉल्व कर ले, मोलर मास को एम से लिखते हैं, कैसे निकालेंगे, पोटेशियम का 39 है, ठीक है, तो 39 इंटू 2 प्लस कार्बन का कितना होता है 12 प्लस 16 इंटू 3, ओके। तो हमने क्या किया, मास हम मोलर मास इसका निकाल रहे हैं, 39 इसका है, 39 इंटू 2 प्लस 12 प्लस क्या आएगा आपके पास 16 इंटू 3, ठीक है। तो 39 2 से कितने होते हैं 78 और 12 प्लस 16 3 से 48, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8 और 2 10 और 8 18, ठीक है, 7 और 1 8 और 1 9 और 4 13, तो 138 ग्राम पर मोल। आपको याद रखना है मोलर मास के यूनिट ग्राम पर मोल, ठीक है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स किसके, किसके आपके पास, ऑफ K2CrO3, है ना। तो कैसे निकलेंगे इसके नंबर ऑफ मोल्स, इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, मास इसका, मास मतलब डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो मास क्या है आपके पास, डब्ल्यू बी क्या आएगा आपके पास, 20.7 ग्राम अपॉन 138 ग्राम पर मोल, ठीक है।
अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इतने 20.7 अपॉन 138 मोल ये आ जाएगा। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी दी है 1 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब आपको इंपॉर्टेंट चीज ये करनी है कि हमें सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमें सॉल्वेंट चाहिए। पहले तो सॉल्यूशन का मास चाहिए। ठीक है, तो सिंस हमें क्या पता है, हमें पता है कि डेंसिटी किसके बराबर होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। हमें मास नहीं दिया, हमें क्या दिया, तो विच इम्प्लाइज मास किसके बराबर आएगा, है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर आएगा, हम करेंगे डेंसिटी को किसके साथ मल्टीप्लाई, वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई। तो डेंसिटी थी 1 ग्राम पर मिलीलीटर और वॉल्यूम था 500 मिलीलीटर। ठीक है, तो मिलीलीटर मिलीलीटर कट जाएगा और आपके पास आएगा 500 ग्राम। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ये है मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, तो देयरफॉर मास ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर आएगा, सॉल्यूशन का मास। सॉल्यूशन का मास कितना है 500 ग्राम, और इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉल्यूट का मास, तो 20.7 ग्राम। ठीक है, तो ये जाएगा 10 में से 7 के 3, 9 में से 0 के 9, और आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, 9 में से 2 गए 7 और 4, 79.3 ग्राम आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब आपको जो मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, तो मोलैलिटी किसके बराबर आएगी, मोलैलिटी आएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब ये, ठीक है, 20.7 अपॉन 138, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, क्या ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम आ गया 479.3, ठीक है, ग्राम, और किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1000 साथ। अब आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कर दीजिए और आपके पास आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, आप जो क्वेश्चन करेंगे, आप क्या क्वेश्चन करेंगे, आपके लिए है 2.5 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, इज डिजोल्व इन इसमें इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ओके, कैलकुलेट मोलैलिटी, क्या कैलकुलेट करनी है उसकी, मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, बोल रहे 2.5 ग्राम जो एसिटिक एसिड है उसको डिजोल्व किया हुआ 75 ग्राम बेंजीन में। सबसे पहले देखना है कम क्वांटिटी किसकी है, ज्यादा किसकी है, तो जिसकी कम है वो क्या बना, वो है सॉल्यूट, और जिसकी ज्यादा है वो क्या बना, वो है सॉल्वेंट। ठीक है, मोलैलिटी हमें पता है किसके बराबर होती है, मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, मास ऑफ सॉल्वेंट किसके में, ग्राम में और इन 2000। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे दिया हुआ है, स्पेशली दिया हुआ है, सॉल्यूशन का नहीं दिया हुआ, तो वो हम आराम से लिख सकते हैं, 1000 भी हमें मिल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मास अपॉन किसके बराबर, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए, मास तो हमें गिवन है, हमें सिर्फ मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अब एसिटिक एसिड का अगर आपको फॉर्मूला पता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये CH3COH, तो आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। मास आपको गिवन है 2.5 ग्राम, जो भी इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा उसके साथ आप डिवाइड करेंगे और आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। एक बार नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, आप उसको इसके 75 ग्राम के साथ डिवाइड करके और 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके आराम से आंसर निकाल सकते हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ी मोलैलिटी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, हमारे पास है नेक्स्ट डेफिनेशन है नंबर 5th, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अभी मैंने आपसे बात की थी, अगर मुझे वॉल्यूम फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन कुछ भी लिखना, हम क्या करते हैं, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन क्या होती है, रेशो होती है, ठीक है, किसकी, ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, एक कंपोनेंट के मोल्स की, ठीक है, टू द किसके साथ, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के टोटल मोल्स के। ओके, मोल फ्रैक्शन को किसके साथ डिनोट करते हैं, काई के साथ, एक्स डालना थोड़ा स्टाइल से, तो काई के साथ इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, देखिए अगर मान लेते हैं कि मैं अगर सॉल्वेंट की बात कर रही हूं तो सॉल्वेंट के केस में हम लोग लिखेंगे काई ए, और अगर मैं सॉल्यूट की बात कर रही हूं तो सॉल्यूट के केस में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सॉल्यूट के केस में काई बी। ठीक है, अच्छा, सॉल्वेंट के केस में सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया सॉल्वेंट के मोल, आपको पता है मोल को किसके साथ लिखते हैं, एन के साथ, अगर सॉल्वेंट के लेंगे तो ए अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, तो टोटल मोल कैसे बनते हैं, एन ए प्लस एन बी। ठीक है, बहुत सिंपल है, वैसे ही सॉल्यूट का कैसे निकलेगा, एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, आपको इतना सा याद रखना है, अगर इस फ्रैक्शन को 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंटेज बन जाती है, लेकिन मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, तो मोल फ्रैक्शन क्या है, एक के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स,
ठीक है। अगर सॉल्वेंट की बात है तो सॉल्वेंट के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, सोल्यूट की बात है अगर सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन है तो सोल्यूट के मोल्स अपॉन टोटल, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मैं एक सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन ऐड करूं तो देखिए आपके पास क्या आता है, सोल्यूट प्लस ये सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन है, ये सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन है, तो आपके पास क्या आएगा Na प्लस Nb और Nb अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है। यहां पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो जस्ट न्यूमिनेटर भी सीधा सेम ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा और आपके पास आएगा 1, विच इंप्लाइज ध्यान से अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि अगर आपको एक चीज भी पता है, जैसे अगर आपको काई ए पता है तो आप कैसे, क्या काई ए अगर आपको पता है या काई बी अगर आपको पता है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, वन में से अगर आप दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप दूसरी चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, हम लोग पढ़ रहे हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होती है, रेशो किसकी, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, राइट। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, मोल फ्रैक्शन किसी की भी कैसे निकालनी है, एक के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, सॉल्यूट की कैसे, उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन हमेशा किसके बराबर होता है, हमेशा यूनिटी के बराबर होता है। इसका मतलब अगर आपको एक की मोल फ्रैक्शन पता है आप दूसरे की बड़े आराम से निकाल सकते हैं जस्ट बाय सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम वन, ठीक है। देखिए अगर मुझे अभी कोई न्यूमेरिकल दिया होगा तो मैं क्या करूंगी, ठीक है। सबसे पहले जैसे अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रही हूँ उसके बेसिस पे मैं सॉल्व नहीं कराऊंगी, सिर्फ बता रही हूँ कि क्या करना है, आप आराम से सॉल्व खुद कर लीजिए, ठीक है। कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इसका, ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल का, ठीक है। इथाइलीन ग्लाइकोल फॉर्मूला इन्होंने मुझे दिया हुआ है, मैं लिख देती हूँ C2H6O2, ठीक है। इथाइलीन ग्लाइकोल अगर किसी को नहीं पता तो ऐसे लिखते हैं, दो कार्बन वाला अल्कोहल है तो C2H कितने हो गए, 2, 4, 5 और 6 और O2, ठीक है। इथाइलीन ग्लाइकोल, ठीक है, इन ए सोल्यूशन कंटेनिंग जिसमें क्या प्रेजेंट है, जिसमें प्रेजेंट है 20% ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल, 20% ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल बाय कैसे, बाय मास, ओके। अब देखिए हमें करना क्या है, सबसे पहले मुझे यही नहीं पता कि कितने ग्राम लिया हुआ है, ठीक है। तो हमें, मैंने कल आपको समझाया था जब मैंने मास परसेंटेज बताई थी कि अगर आपको इस तरीके से कभी कुछ दिया गया दैट मींस इसका क्या मतलब है कि अगर 20% ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल मास बाय मास, तो 20% ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल बाय मास मींस क्या मतलब है इसका, मींस दैट इसका मतलब है कि जो 20 ग्राम ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल है, ठीक है, इथाइलीन ग्लाइकोल इज डिजोल्व इन कितने में, ठीक है। मुझे सोल्यूशन की बात ही नहीं करनी है, अगर आपको सोल्यूशन लिखना है आप लिख सकते हो, या तो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, या फिर कितने में 80 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। जो 20 ग्राम इथाइलीन ग्लाइकोल है वो 80 ग्राम वाटर में डिजोल्व है, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गया, सोल्यूट का मास भी आ गया और ये सॉल्वेंट का मास भी आ गया। आपको सबसे पहले अगर आपको मोल्स निकालने हैं इथाइलीन ग्लाइकोल के, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल कैसे निकले, देखिए आपको कैलकुलेट करनी है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए आपको मोल्स चाहिए, अगर आपको मोल्स निकालना आ गए तो आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, इथाइलीन ग्लाइकोल, ठीक है, इथाइलीन ग्लाइकोल कैसे निकालेंगे आप, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ओके। तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मतलब इसका मास कितना है 20 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास आप इसके फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले आप इसके फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे, मास के साथ उसको डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स से निकल जाएंगे, ठीक है। सिमिलर इज द केस अगर आपको मोल्स निकालने हैं किसके, वाटर के, वाटर का मास कितना है, वाटर का मास है 80 ग्राम, ठीक है, और आप उसको किसके साथ डिवाइड कर देंगे, उसके मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वाटर का 18, ठीक है, इसके साथ डिवाइड कर देंगे उसके मोल्स आ जाएंगे। यहां पे भी आप क्या करेंगे, इसका 20 है और मॉलिक्यूलर मास जो भी आपका निकलेगा आप उसके साथ उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसके मोल्स निकल गए, इसके मोल्स निकल गए। अब अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे अगर आपको इथाइलीन ग्लाइकोल के निकालने हैं, जस्ट सपोज मैं इसको लिख रही हूं क्या, मोल्स, इसके मोल्स को लिख रही हूँ एन ए या सॉरी एन बी और इसके मोल्स को लिख रही हूँ एन ए, तो आप क्या करेंगे, अगर मुझे काई ए निकालना है तो आप लिखेंगे एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, है ना, उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, तो आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें ये पता होना चाहिए कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उसका क्या मतलब है, तो 20% का मतलब है कि 20 ग्राम डिजोल्व है 80 ग्राम वाटर में, एक चीज। उसके बाद आपको मोल्स निकालना आने चाहिए, मोल्स निकालना आएंगे तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगी, और मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास गिवन है, अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है तो आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास करेंगे तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे, और मोल को टोटल मोल के साथ डिवाइड करेंगे तो जिसके मोल्स को टोटल मोल के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो आज हमने मोलैरिटी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन किए और मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन दो डेफिनेशंस पढ़ी। आई होप ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।